भाईंदर पूर्व की नवघर पुलिस ने मृत महिला के हाथ में मौजूद सोने के बैंगल को चुराने के मामले में एक सातिर चोर को मृत महिला के बेटे द्वारा नवघर पुलिस को दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर भाईंदर पूर्व के फैमिली केयर अस्पताल में काम करता है। उसने चोरी के दो बैंगल विरार में किसी सोनार के पास गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। मामले में नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार 25 फरवरी को मीरा रोड के कनकिया परिसर में रहने वाले रहीम मौला शेख के मां की तबीयत घर में बिगड़ गई थी। मां के इलाज के लिए उन्होंने फैमिली केयर अस्पताल के डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने जाँच करने के बाद बताया कि माता जी की मौत हो गई है। माँ की मौत की खबर सुनने के बाद रहीम शेख ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक बार माता जी को अस्पताल ले जाकर अच्छे से चेक किया जाए। रहीम शेख के कहने के बाद डॉक्टर ने हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस बुलाया और रहीम की माता जी को उसमें डालकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा जांच के बाद भी जब डॉक्टर ने रहीम को यही बताया कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, तब रहीम वापस एम्बुलेंस में अपनी माँ को लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद जब रहीम के घर वालों ने देखा तो उनकी माँ के हाथ में मौजूद चार सोने की चूड़ियाँ में से दो चूड़ियाँ गायब थी। रहीम ने माँ की चूड़ियों के चोरी होने की खबर नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब एम्बुलेंस के ड्राइवर और एम्बुलेंस में मौजूद अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की तो अस्पताल के स्टाफ सागर शंकर तेजन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, ये एक एम्बुलेंस में किसी महिला का कुछ कंगन चुराने का मामला था, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया गया? ये मामला ऐसा है, 25 फरवरी 2023 का मामला है। इसमें फिरियादी है रहीम मौला शेख करके, और ये रहने वाले कनकिया रोड मीरा रोड ईस्ट में। उन्होंने आके हमको ऐसा बता दिया कि हमने उनकी जो माँ है वो बीमारी से घर में ओल्ड एज है, तो घर में शायद वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और शायद गुजर गई होगी करके फैमिली केयर के डॉक्टर को घर में बुलाया, तो फैमिली केयर का डॉक्टर ने बोल दिया कि ये गुजर गई है। फिर भी घर वाले चाहते थे कि एक बार फैमिली केयर हॉस्पिटल में उसका एक फाइनल चेकिंग हो जाए, इसलिए एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस में फिरियादी जो है वो बैठ गए और उनके साथ फैमिली केयर का एक स्टाफ भी बैठा था पीछे, और जब ये एम्बुलेंस उनके घर से निकल के फैमिली केयर हॉस्पिटल में चली गई तो फैमिली केयर के हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर ने वापस चेक किया, कंफर्म किया कि ये महिला जो है उनकी वो गुजर गई है। तो गुजरने के बाद उन्होंने फिर अपनी जो बॉडी बोलते हैं हम लोग अभी मरने के बाद, तो बॉडी को लेकर घर पे गए तो उनका ऐसा मालूम पड़ा कि उनकी जो माँ है उसके हाथ में चार सोने की बंगड़ी थी, उसमें से दो बंगड़ी गायब है और करीबन वो 3-3.25 तोले की है। तो उन्होंने आके तुरंत हमारे पास FIR दिया, दर्ज किया नवघर में। नवघर में FIR दर्ज करने के बाद हमने तुरंत जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और वो फैमिली केयर का जो बंदा है वर्कर, उनको पूछताछ के लिए ताबे में लिया। तो फैमिली केयर का जो बंदा है सागर शंकर तेजम, उसको इंट्रोगेट करने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। उसको हमने तुरंत अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी किया। कोर्ट ने रिमांड देने के बाद उसने कबूल किया है कि विरार में उसने एक ज्वेलरी के दुकान में उसको रख दिया है, अभी वो बेचा है या गिरवी रखा है उसकी तहकीकात चल रही है। पुलिस रिमांड में अभी उसको रखा है और हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अपने API काले साहब और PSI लांडे साहब, वो तहकीकात आगे का कर रहे और आगे का तहकीकात जैसे होगा वैसे आरोपी के खिलाफ हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरावा इकट्ठा करके तजवीज़ करके चार्जशीट डालेंगे।